मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अब नेताओं पर निजी हमले शुरू हो गए हैं। पहले कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निजी हमला किया तो भावुक हुए सीएम के बेटे कार्तिकेय चौहान ने पलटवार कर दिया, जिसके बाद शुरू हुआ ट्विटर वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक कार्तिकेय और कांग्रेस ट्वीट करके एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। कार्तिकेय के तेवर लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। अब तो उन्होंने इशारों में कमलनाथ को भी निशाने पर ले लिया। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें साधना कुछ काम कर रही थी और शिवराज पीछे बैठे थे। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला और अब हमले और तीखे होते जा रहे हैं। कांग्रेस की ट्वीट में कहा गया, हे युवराज, माता पिता के प्रति आदर हम सबके मन में है, लेकिन आपको उन बहन बेटियों का दर्द नहीं दिखता जिनके घर में आपके पिता की दी हुई महंगाई ने कोहराम मचा रखा है। जब आप अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तब आपके पिताजी की सरकार मंदसौर में किसानों के बच्चों को गोलियों से भून रही थी। कांग्रेस के इस ट्वीट को टैग करते हुए कार्तिकेय ने लिखा, युवराज शब्द आप लोगों के लिए नया नहीं है, आपकी पार्टी में कई युवराज हैं, शहजादे हैं, आपको तो कई बार युवराज बोलना पड़ता होगा, इसलिए आदतन यहाँ भी लिख दिया। खैर छोड़िए, भाजपा की वजह से आपकी पार्टी महिलाओं का सम्मान करना सीखने की कोशिश करने लगी, वो आपसे होगा नहीं, आपके डीएनए में नहीं है। कार्तिकेय ने आगे लिखा कि वैसे सुना है कि बड़े भाई नकुलनाथ जब अमेरिका में थे तो देश में सिख नरसंहार हो रहा था, मेरा समय बर्बाद करने की बजाय चुनाव लड़ने का प्रयास कीजिए, वैसे लगता नहीं, फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आप राजनीति के लिए मुद्दे खोजेंगे, परिवार नहीं। फिर क्या था, कांग्रेस ने इस ट्वीट के जवाब में एक और ट्वीट किया और लिखा, हे युवराज, महाराज की बैसाखी पर बैठकर सत्ता का चीरहरण करने का गुनाह तो आपके पिताजी के माथे पर पुता है, अब तो महाराज, युवराज, नाराज और शिवराज सब आपके हिस्से की देनदारियां हैं। वैसे आपने बताया नहीं कि मध्य प्रदेश को आपके पिताजी के जंगलराज से मुक्त कराने के लिए आप प्रभु हनुमान की उपासना कब से करने वाले हैं? क्या छोड़ो, आपके और आपके पिताजी के लिए तो राजनीति मेवा और मलाई का स्रोत है। आपकी जानकारी के लिए कुछ तथ्य प्रेक्षित है, कभी फुर्सत मिले तो मध्य प्रदेश के हालात पर भी दो शब्द लिखिएगा। कांग्रेस ने इस ट्वीट में कई सवाल पूछे, इसके साथ ही आगे लिखा, युवराज गुमराह मत हो, उठो आवाज उठाओ, बीजेपी को बेनकाब करो और मध्य प्रदेश को बता दो कि आप एक पढ़े लिखे और समझदार नागरिक हैं। शिवराज के जंगलराज का विरोधी श्रेष्ठता का प्रथम पायदान है। इससे पहले भी कांग्रेस और कार्तिकेय एक दूसरे पर ट्वीट वॉर कर चुके हैं। ये ट्वीट वॉर तब शुरू हुआ जब अपनी शादी की सालगिरह पर सीएम शिवराज ने अपनी पत्नी को शुभकामनाएं देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। इसी वीडियो को टैग करते हुए कांग्रेस ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए लिखा, आदरणीय मामी जी, अब आपकी जल्द ही चूल्हा फूंकने की तकलीफ खत्म होने वाली है, क्योंकि कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनते ही आपको भी 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा। कांग्रेस के इस हमले पर कार्तिकेय चौहान भावुक हो गए और ट्वीट करके लिखा कि मेरी माँ 32 साल से पिताजी के पीछे उनकी ताकत बनके खड़ी है और सुख और दुख में उनका संबल बनी है, लेकिन कांग्रेस रिश्तों की पवित्रता प्रेम को नहीं समझती, वो हर बात में राजनीति देखती है। उन्होंने आगे लिखा कि आखिर करें भी क्यों ना, चरित्र शब्द की समझ कांग्रेस के नेताओं को कम है, जनता की सेवा पिताजी के लिए पहला कर्तव्य है, परिवार के लिए उन्हें समय कम ही मिलता है और ऐसे कुछ पल वो कभी कभी साझा करते हैं, लेकिन कितनी गिरी है कांग्रेस की सोच कि राजनीतिक फायदे के लिए उसे भी निशाना बना रही। बजरंग बली, मेरे माता पिता के इन खूबसूरत पलों को बुरी नजर से बचाएं। अब इसके बाद शुरू हुआ ट्विटर वॉर फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा।